ये देखिए, ये साबूदाने के पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। इनको हमने 2 दिन धूप में सुखाया है, और सुखाने के बाद देखिए, ये हमने जो फूड कलर डाला था, ये वाइट वाले बनाए थे सादे, तो इसको हम अभी देखिए, इसको तल के दिखाते हैं अभी। एकदम फूले फूले से बनते हैं। ये देखिए, ये देखिए, और ये व्हाइट वाला जो हमने बनाया था, व्हाइट वाला भी डाल के हम दिखा रहे हैं। ये बहुत आसानी से देखिए, बहुत जल्दी बन जाते हैं, और ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते, क्योंकि इनको हमने पहले ही इतने पका करके तब बनाया है, तो काफी टाइम इनको हमने भिगाया भी था। ये देखिए, पूरे फूल गए एकदम से, देखिए। हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाना के पापड़, तो वो हम 2 प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए, ये साबूदाना है, तो इसको हमने भिगा के रख दिया था, तो ये हमने 6 घंटे के लिए करीब भिगाया इसको। तो देखिए, अच्छे से फूल गया है, इसको हम ऐसे हाथ से करें तो अच्छे से मैश हो जा रहा है ये। और ये हमने साबूदाना थोड़ा अलग लिया है, तो ये हमने ये फूड कलर से हम बना रहे हैं, तो इसमें हमने ये रेड फूड कलर डाला है, तो ये होममेड रेड फूड कलर है, तो इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर भी की है। तो ये और जो ये सादा है, तो इसमें हम काली मिर्च और नमक डालेंगे, तो ये हम सेंधा नमक डालना है, क्योंकि हम इसको व्रत में भी खा सकते हैं, तो इसलिए। और नमक हम इसमें कम ही डालेंगे, क्योंकि पापड़ जब सूखते हैं तो उसका नमक ज़्यादा लगने लगता है, तो इसमें हम नमक कम डालेंगे। और ये थोड़ा सा हम काली मिर्च का पाउडर डालना है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करती तो आप स्किप भी कर सकती हैं। तो हम केवल इसी में डालेंगे, जो हम ये प्लेन बना रहे हैं, जो कलर वाला, उसमें नहीं डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, उसमें केवल नमक मिलाएंगे। तो इसको हम पहले दोनों अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इनमें हमने अच्छे से नमक मिला करके मिक्स कर लिया है। तो अब इसके लिए हम एक ये थाली लेंगे, तो ये हमने थाली ली, तो इसको हमने घी से ग्रेस कर लिया है। उसके बाद हम ये इसमें चूड़ियाँ लेंगे, तो इसे चूड़ियों से बनाएंगे, तो एक बार में हम ये 7 से 8 पापड़ आराम से बना सकते हैं। तो चूड़ियाँ जो हम हैं प्लेन वाली लेंगे, क्योंकि जो स्पार्कल वाली नहीं लेंगे, वरना उससे इसमें स्पार्कल छूटने का डर है, तो इसमें नहीं लेंगे हम ये। तो हम इस टाइप से ये चूड़ियाँ थोड़ा दूर दूर से रख लेंगे। ये देखिए, इसमें एक एक साथ कई पापड़ आसानी से बन जाते हैं। इसमें हमें अब ये थोड़ा थोड़ा सा साबूदाना लेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे। पानी हमने बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है, तो इस टाइप से हम अच्छे से रख लेंगे सब में। हमें इसके अंदर ही रखना है, बाहर नहीं आना है, इतना रखना है कि ये अंदर ही रहे। ये देखिए, और इसी टाइम से ये दूसरा है, तो इसमें भी हम ये फैला लेंगे, तो थोड़ा ये कलरफुल बनेगा, तो अच्छा लगता है खाने में भी, और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा कलर वाला बना रहे हैं, थोड़ा ऐसे बना रहे हैं। इस टाइप से हम अच्छे से भर लेंगे, पूरा भरेंगे ताकि खाली ना रहे ये देखिए। तो इसी टाइप से हम इसको भर ले रहे हैं पहले। ये देखिए, इनमें हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम आहिस्ते धीरे से ये चूड़ियाँ जो है अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए, ये हमने पानी चढ़ा दिया था बॉईल करने के लिए, तब इस पर हम ये थाली रख देंगे, इसको हम भाप में पकाएंगे, और इसके ऊपर हम ये दूसरी थाली ढक करके इसको देखिए, हमने ये दूसरी थाली ली है, तो इसमें हम जब तक दूसरा लगा के सेट करके रख लेंगे, ताकि वो पकेगा, तो हम इसको भी चढ़ा देंगे। तो एक बार में देखिए, 8 से 10 आराम से पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं, और बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखिए, इसमें हम ऐसे सेट करके रख देंगे, और वो पकेगा तो इसको हम चढ़ा देंगे। तो इस टाइप से हम इसमें तैयार करके रख ले रहे हैं। ये देखिए, साबूदाने के पापड़ बन चुके हैं, तो इसको हम अच्छे से इसको पकड़ के ध्यान से पकड़ना है, इनको हम निकाल के बाहर कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे नहीं पकड़ेंगे, किसी चीज़ से पकड़ेंगे, कपड़े वगैरह से, नहीं तो ये काफ़ी गर्म है। तो इसको हम बाहर रखेंगे, और जो हमने ये दूसरा वाला बनाया है, इसको हम रख करके इसको पका लेंगे,
और ये ठंडा होने के बाद हम इसको दिखाएंगे कैसे निकलता है। थोड़ा टाइम रख दे रहे हैं ठंडा होने के लिए। इसको हम ढक के इसको ही पका लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से ठंडा हो गए हैं, तो हम इसको निकालेंगे। तो हम ये चाकू लेंगे किसी चीज़ से, इसको हल्का हल्का हम करेंगे। देखिए हल्के से करते ही निकल जाएगा ये अच्छे से। ये देखिए इस टाइप से पापड़ ये निकल जाएंगे। इनको हम अब धूप में डाल के दो से तीन दिन लगेंगे इनको हम सुखाएंगे। तो जितनी तेज़ धूप होगी तो ये देखिए साबूदाने के पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए इनको हमने तल के दिखाया है, ये एकदम सॉफ्ट बने हुए हैं। ये देखिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।